हेलो माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बायोलॉजी। पिछले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे बहुविकल्पी एलील और एक तरह से लिथल जीन पढ़ा था, और आज का जो टॉपिक है वो अपने एक तरह से ये मानिए कि पैलियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता है। तो इसका जो पिछले वाला वीडियो देखने के लिए कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा और उसको आप देख सकते हैं, और उसी के आगे अपने इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो अच्छी तरह से समझने के लिए वो जरूर देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लेयोट्रोपिक या बहुप्रभाविता। तो बहुप्रभाविता क्या होती है? एक तरह से ये मानिए कि एक कोई जीन है वो सामान्य तौर पे एक ही लक्षण को नियंत्रित या निर्धारित करता है, पर यहाँ पे बहुप्रभाविता का मतलब है ये बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित करेगा, मतलब एक जीन के द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्षणों या विशेषकों को निर्धारित करता है, वो पैलियोट्रोपिक कहलाती है या प्लेयोट्रोपिक कहते हैं या बहुप्रभाविता कहलाती है। तो इसको समझने के लिए अपने एक डायग्राम बनाते हैं कि ये क्या है। एक प्रमोटिव है, या गुणसूत्र है, अपने क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में क्या है, यहाँ पर एक क्या है जीन है, ये सिंगल जीन है, सिंगल जीन है, और ये सिंगल जीन क्या करेगा, सामान्य तौर पे एक लक्षण निर्धारित करता है, पर यहाँ पे ये जीन क्या करेगा, कई लक्षणों को या ट्रेट्स को क्या है निर्धारित करता है। यहाँ पे ट्रेट ए, ट्रेट बी, ट्रेट सी, ये अपने लिखा है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से लक्षण है और लक्षणों को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो ये प्लेयोट्रोपी कहलाती है, ये अपने क्या बोलेंगे, प्लेयोट्रोपी। प्लेयोट्रोपी कहते हैं। अब ट्रेट है वो एक तरह से क्या है, अपने आप में एक लक्षण है या विशेषक होते हैं, विशेषक मतलब कॉन्ट्रास्टिक जो पेयर्स होते हैं उनको भी अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। पर ल्यूजस्ट्रम में क्या है, अपने ट्रैट और लक्षण है वो एक ही शब्द का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अंतर है, आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रैट विशेषक होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट या जो करेक्टर होते हैं वो लक्षण अलग होते हैं, पर यहाँ पे ये ट्रैट का मतलब यहाँ पे लक्षण भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जीन है, और ये जीन क्या करता है, विभिन्न प्रकार के लक्षणों को निर्धारित या कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जीन है ना, ये जीन का मतलब ये है कि ये समान रूप से सभी जो लक्षण होते हैं उन पे प्रभाव नहीं रखता है, या ये कोई जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे जो लक्षण हैं उन पे वो प्रभाव है वो समान रूप से दर्शाएगा। हो सकता है ये ट्रेड ए है उसके लक्षण जो अपने दिखाई देता है और बी का दिखाई देता है या सी का दिखाई देता है, तो ये समान रूप से जरूरी नहीं होता कि उस पे ज्यादा प्रभावी होगा या इस पे ज्यादा प्रभावी होगा या सी पर प्रभावी होगा, मतलब इस पे ज्यादा हो सकता है, इस पे उससे कम हो सकता है, या इससे उससे भी कम हो सकता है, या कई बार क्या होता है इसका ए से भी ज्यादा हो सकता है या बी से कम हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, अपना प्रभाव है या जो अपना लेवल है वो एक तरह से प्रभावी नहीं हो सकता या अलग अलग हो सकता है या समान नहीं हो सकता, इस तरह से अपने इसको प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी बात, एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे जीवों के अंदर क्या होता है, ड्रोसोफिला मुख्य होती है, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मुख्य है, उसमें अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन यानी सफेद आंख का रंग या आंख का सफेद रंग, सफेद रंग है वो आंख का, वो एक तरह से क्या है, अप्रभावी जीन है, और वो जीन क्या करता है, उसके शरीर में कुछ और भी क्या है लक्षणों को निर्धारित करता है। अब देखो ये जो श्वेतांग का जो जीन है ना वो और लक्षणों को निर्धारित करता है, कौन सा, एक तो पंखों की आकृति
पंखों की आकृति, और दूसरा है उदर की आकृति। आकृति मतलब पंखों की आकृति और उदर की आकृति। जिस ड्रोसोफिला के अंदर क्या होगी, सफेद आंखें होगी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पंखों का और उदर का क्या होगा, कुछ अलग प्रकार से होगा। मतलब पंखों का एक तरह से छोटा होना या ऑब्सेसिव होना, पंखों का ऑब्सेसिव रूप में पाया जाना, मतलब पंखों का ऑब्सेसिव रूप में पाया जाता है। जिन ड्रोसोफिला की आंखों का रंग सफेद होता है, उसके उस जीन के कारण पंखों की आकृति है, मतलब उसके पंख है वो ऑब्सेसिव रूप में पाए जाते हैं। और उदर है वो क्या होगा, एक तरह से वलित होगा, वलित प्रकार का होगा, मतलब एक तरह से सीधा, जैसे ऐसे न होकर क्या होगा, पीछे से ऐसे मुड़ा होगा, तो ये क्या है, एक वक्राकार होगा या एक तरह से फोल्ड होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आंख के सफेद रंग या अप्रभावी जीन होता है, उसकी वजह से आंखों का रंग सफेद होता है, और उस जीन की वजह से पंखों की आकृति है और उदर की आकृति है वो भी क्या होती है, एक तरह से वलित या फोल्डिंग होती है। तो अपने इस तरह से ये एक जो जीन है वो दो प्रकार के लक्षणों को भी क्या है, एक तरह से निर्धारित या कंट्रोल। प्लियोट्रोपी का एक दूसरा उदाहरण और भी है, जो मानव के अंदर क्या होता है, मानव में सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में सभी जानते हैं कि रक्त अलगता है या खून की कमी से जो रोग होता है, तो सिकल सेल एनीमिया। यानी खून की कमी की वजह से ये रोग होता है। तो इसका जो जीनोटाइप होता है ना, वो एक तरह से ये होता है, हीमोग्लोबिन की, जो हीमोग्लोबिन का जीन होता है उसकी वजह से होता है, या हीमोग्लोबिन जीन होता है उसको HbA, ये सामान्य जीनोटाइप है, जीनोटाइप है। और सिकल सेल की वजह से क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है HbS। अब ये क्या होता है, ये एक तरह से डिजीज या सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, वो जीनोटाइप है, और उसकी वजह से क्या है, जीव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा जो जीनोटाइप है वो क्या होता है, HbA और HbS होता है, ये एक तरह से क्या होता है, वाहक होता है, ये तो क्या होता है, रोगी, और ये क्या होता है, वाहक होता है। और ये मानिए कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक वंशागत रोग है, और ये जीन होता है वो अप्रभावी जीन होता है, और यानी अप्रभावी जीन होते हैं, और एलील्स क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। और जैसे ही क्या है, ये पूरी तरह से ये समयुग्मन जी होता है, तो ये जीव को क्या करता है, मारता है। लेकिन जब हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मन जी होता है, या उस अवस्था में जीव के अंदर ये जीन पाया जाता है, उसे अपने सिंगल सेल एनीमिया वाहक के रूप में इसका यूज करते हैं या उपयोग माना जाता है। अब यहाँ पे एक चेकर बोर्ड की बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। अगर कोई भी वसागत में या माता पिता है या जनक है, एक तरह से वाहक होते हैं HbA, HbS, HbA, HbS। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी, पहले और बता दूं कि ये एक क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम में क्या है, ये जीन है, ठीक है, ये जीन है जो क्या है, सिकल सेल एनीमिया को निर्धारित करता है। यानी ये बीटा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन
होती है उसकी वजह से होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे क्या है फैक्टर है मानव के अंदर क्या है प्रभावित होते हैं, जैसे यानी लीवर है, हार्ट है, आई है, स्प्लीन है और किडनी है। मतलब बहुत सारे जो अंग हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या है सिकल सेल एनीमिया की वजह से क्या है वो प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसको एक तरह से बहुप्रभाविता वाला जीन कहा जाता है। अब इसमें जो वंशागत होता है तो वंशागति के आधार पे अपने समझे इसको, तो इसका एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। मतलब ये कोई जनक है अपने ये नर ले लेते हैं और ये मादा ले लेते हैं, जब इनके अंदर क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के फलस्वरूप क्या बनेगा गैमीट बनते हैं HB, ये गैमीट बनते हैं। अब गैमीट बनते हैं तो गैमीट के आधार पे अपने जब संति में ये निषेचन होगा उसको अपने चेकर बोर्ड द्वारा समझ लेते हैं तो आसान रहेगा। तो ये अपने चेकर बोर्ड अपने बनाए यहाँ पर, HB ये करंट में अपने मेल का लेते हैं, HB, HB, S, HB, A और HB, ये अपने आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर क्या है हीमोग्लोबिन है, इस तरह से पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है तो उसकी अल्फा और बीटा चेन होती है, और उसमें अगर म्यूटेशन होता है या उत्परिवर्तन की वजह से क्या है एरर आता है तो उसकी वजह से वो क्या है ये एनीमिया रोग है, सिकल सेल एनीमिया रोग है वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो वंशागति होगी वो क्या होगी HB, A, HB, S, sorry, HB, A, मतलब AA दोनों आएंगे, HB, A और HB, S, यहाँ पे HB, S और HB, A है, A और HB, S और HB, S हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया से, इसका मतलब सिकल सेल एनीमिया वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो HBA है वो क्या होता है सामान्य संतान पैदा होती है या सामान्य संतति होती है, सामान्य संतति या उसमें किसी प्रकार का क्या है कोई रोग नहीं होता, ये एक तरह से सिकल सेल एनीमिया वाहक के रूप में क्या है ये संतति पैदा होगी, ये भी वाहक के रूप में संतति पैदा होगी या उसमें वाहक का काम होगा, किसका हीमोग्लोबिन के अंदर जो सिकल सेल एनीमिया जो एलियंस है उसकी वजह से ये वाहक का काम करता है। और यहाँ पे देखिए सिकल सेल एनीमिया के दोनों ही लक्षण है, तो यहाँ पे क्या है ये पेशेंट की या जो भी संतति बनेगी उसमें क्या है वो एक तरह से मान लीजिए कि वो डेड हो जाएगा या से संति है वो बनेगी नहीं, या सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो ब्लड है ब्लड फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से नहीं होगा और वो जीव क्या है मर जाता है, तो यहाँ पे अपने डेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपने आप में क्या है एक तरह से सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है या फंक्शन में जो या कार्य में जो रुकावट आ जाती है उसकी वजह से जीव का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये अपने आप में क्या है एक संतति के अंदर क्या है हीमोग्लोबिन का आना और बहुप्रभाविता का प्रकट होना, और बहुप्रभाविता का प्रकट होने की वजह से यहाँ पे देखिए ये एक तरह से अपने लिथल जीन भी पढ़ा था, लिथल जीन में क्या पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि कोई भी जब अप्रभावी जो जीनोटाइप आता है
या एलील है वो एक वायु होते हैं, दोनों ही समीपुंजी अवस्था में, तो वो क्या करते हैं उस जीव को मार डालते हैं। तो यहाँ पर भी वही अवस्था आ रही है। तो यहाँ पे जो एस एच बी एस और एच बी एस है दोनों क्या है, एलील है, और वो एक तरह से क्या जीव को मारने वाले होते हैं, और ये लिथल जीन में भी अपने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो एच बी एस और एच बी एस है ये क्या काम करता है मनुष्य के अंदर, क्या है, बहुत सारे जब ऑर्गन अपने शरीर के अंदर बनते हैं और ऑर्गन बनने के लिए क्या होता है कि जो ब्लड होता है ब्लड एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का अपव्यय भी करता है। तो उस वजह से क्या है ये जो आरबीसी होती है उसकी जो आकृति है वो क्या हो जाती है, हंसीय के आकार की हो जाती है। मतलब एक सामान्य जो सेल है आरबीसी की वो नहीं रहकर क्या हो जाती है, एक हंसीय के आकार की, या एक तरह से ये मानिए कि हंसिया आपने देखा होगा तिरछा दांती की तरह, दांती या दांती की तरह हो जाता है। और उस वजह से क्या है हमारे शरीर के अंदर जो पूरा फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता है, और हमारे शरीर के अंदर आंख है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन, मतलब ये मानिए कि बहुत सारे ऑर्गन का मतलब ये है कि लगभग हमारे शरीर का न बनना। और इस तरह से क्या है शरीर के अंदर ही क्या जो बच्चे की या संतति क्या है, संतति क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने आप में एक तरह से लिथल जीन का भी काम करता है और बहुत सारे अंगों को प्रभावित भी करता है, इसीलिए इसको बहुप्रभाविता भी कहा जाता है। अब इसके साथ में एक और देखिए, जब ये कैरियर के रूप में होता है या वाहक के रूप में होता है तो उसके लिए क्या है, जैसे अफ्रीका के अंदर क्या मलेरिया होता है, फैल्सीपेरम एक मलेरिया का प्रकार है, और वहां पर क्या है वो लोगों के अंदर क्या है ये सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, और वहां पे ये सामान्य सी बात है। तो जो मलेरिया के अंदर क्या होता है स्पोरोजोइट बनते हैं, और स्पोरोजोइट क्या है जैसे ही मानव के शरीर के अंदर इंजेक्ट होते हैं तो वो आरबीसी को क्या है, आरबीसी के अंदर जो आकृति होती है उसको वो पहचान नहीं पाते हैं, या ये मानिए कि जो हंसिए के आकार की जो आरबीसी बन जाती है वो उनके लिए क्या है पोषण का काम नहीं कर पाती है, और वो शरीर के अंदर जाकर क्या है वो उनको पोषण जब प्राप्त करना होता है तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वो क्या है मर जाते हैं, और मरने के साथ ही क्या है उनको क्या है मलेरिया है या फैल्सीपेरम है या जो अपने एक तरह से वो जो टाइप है वो खतरनाक होता है, दिमागी मलेरिया भी कहते हैं, तो वो उनको नहीं हो पाता है। तो उनके लिए ये क्या है एक लाभदायक या उपयोगी बात भी है, जो वाहक होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है क्योंकि वो सेल है वो सामान्य नहीं होती है और उनको पोषण नहीं दे पाती है, तो उनके लिए ये बढ़िया भी बात है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।